हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पालक पनीर की सब्जी। आपको पसंद आए तो आप देखना, आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक यू दोस्तों। आज की रेसिपी है पालक पनीर और पनीर के पकोड़े। तो हमने टमाटर और मिर्ची को बॉईल कर लिया है, पालक को बॉईल कर लिया है, लहसुन छील लिया है और पनीर के टुकड़े कर दिए हैं। ये हमारे पकोड़े के पनीर है। इसमें हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे, नमक, थोड़ी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी। इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही रखेंगे जिससे इसमें मसाला अच्छी तरह से चिप जाए। और पनीर को हम तलेंगे और टमाटर और मिर्ची को हम पीसेंगे पालक के साथ। आज बना रहे हैं पालक पनीर और टमाटर की सब्जी। तो तेल कढ़ाई में डाल दिया है, अब इसमें हम पनीर फ्राई करेंगे। तो हम पनीर डालते हैं। पनीर फ्राई हो रहा है, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। ये हमारी देसी मसालादानी, इसमें हम लेंगे थोड़ी सी हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्ची, धनिया। पनीर फ्राई हो गया है, अब कढ़ाई में हम तेल में हम प्याज डालेंगे। प्याज के साथ थोड़ा सा गरम मसाला। प्याज ब्राउन होंगे तब हम मसाला डालेंगे। देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम लहसुन का मसाला जो बनाया है वो डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए लहसुन। अब जो हमने टमाटर और मिर्ची बॉईल करके पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। अब इसको हम बहुत अच्छी तरह से, जब तक तेल ना छोड़ दे तब तक इसको पकाएंगे। इस साइड तेल चढ़ाया है, इसमें ना पालक के पकोड़े बनाएंगे, ये पनीर के पकोड़े बनाएंगे और खींचे तलेंगे। ये खींचे हमारे घर के बने हुए हैं। ये एक चम्मच बेसन लिया है जिसको हम पनीर के ऊपर डस्टिंग करेंगे। ये पनीर के पकोड़े निकाल रहे हैं हम। इस साइड हमारी पूरी ग्रेवी एकदम तैयार है और अब हम इसमें पनीर डालेंगे। दो मिनट बाद इसमें हम पालक डालेंगे। ये हमारे पकोड़े हो रहे हैं बढ़िया।
पनीर के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरे होते हैं इस टाइप से बनाने से। पनीर नरम हो गया है, अब इसके अंदर हम पालक डालते हैं। अब इस साइड हम खींचिए तलेंगे। ऐसे करके हम सारे खींचे तल लेते हैं। ये एकदम टेस्टी ढाबे और होटल से शुद्ध पालक और टमाटर और पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। थैंक यू दोस्तों, आप भी ट्राई करना।